देश और प्रदेश में बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन कहीं न कहीं से नन्ही मासूमों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और सामूहिक दुष्कर्म जैसे मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद भी ऐसे वहशी दरिंदों पर लगाम नहीं लग पा रही। ताज़ा मामला नारनौद के एक गाँव का है, जहाँ पर एक हैवान ने एक 8 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये 8 साल की मासूम अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में सोई थी कि तभी एक वहशी दरिंदा वहां पहुंचा और गहरी नींद में सोती हुई इस मासूम को अपने साथ लेकर जंगल में ले गया। सुनसान इलाके में ले जाने के बाद इस वहशी दरिंदे ने रोती बिलखती मासूम के साथ वहशी पने को अंजाम दिया। इस मासूम को ताउम्र के लिए जख्म देने के बाद ये वहशी दरिंदा वहाँ से फरार हो गया। ये बच्ची जैसे तैसे रोती बिलखती अपने घर पहुँची तो बच्ची की हालत को देख उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। नन्ही सी बच्ची को खून से लथपथ देख परिजन हक्के बक्के रह गए। सहमी हुई बच्ची को माँ बाप ने काफी मशक्कत करने के बाद शांत कराया, जिसके बाद बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन सहायता के लिए गाँव में दर दर भटकने लगे। किसी तरह से गाँव के 2 लोगों ने उनकी सहायता की और बच्ची को उपमंडल नारनौद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर देर ना करते हुए बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाया गया, जिसमें बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई। 11:30 बजे की ये घटना है। मैं 10:30 बजे रोटी खाकर सो रहा था, कम से कम 11 बजे जाके मुझे मेरे रहती है टेंशन, मैं पीजीआई की खाता हूँ गोली, मैं तो गोली लेकर सो गया। लड़की को मुझे पता नहीं किस वक्त उठाई किस वक्त नहीं, और लड़की की आवाज़ आई, मेरा छोटा भाई मेरे बराबर सोता था, मेरी पत्नी के पास मेरी लड़की सोती थी, वहाँ से लड़की उठाई है 2 खाटों के बीच में से, वहाँ से उसका रेप किया है। क्या किया मुलजी में हमें आँखें नहीं देखा, हम भागे भी उसके पीछे, वो माने पाए, पुलिस को सूचना दी थी, हम चाहते थे सरपंच के पास गए थे, सरपंच ने बेचारे ने वो सरपंच भी झूठा नहीं है इस बात में, सरपंच ने पूरी कोशिश करी थी, वो सुत्ता था, तूड़ी ताड़ी आपका खेत का काम करके आ रहा था, वो सुत्ता था, उसने फ़ोन लॉक कर लिया था अपना, हम गए किसी ने सुनाई नहीं करी। फिर 2 बंदे थे गांव के, एक चांदी और एक चाचा वेद, वो हमारे साथ आए, एडमिट करवाई, टिक्के टाके लगवाए, लड़की को होश आई, लड़की जमाई बेहोश हो रही थी, पागल हो रही थी, जब की पागल हो रही थी बेहोश, मैं रो रो कर मर गया हुआ, ईंटों से सर फोड़ा। अच्छा, तो आज फिर सुबह लेके आए? आज सुबह 9 बजे लेकर आई। अच्छा, रात को भेजने के बाद आज सुबह लेके? आज सुबह ले आई 9 बजे। डॉक्टर ने बताया कि इस मासूम के साथ हैवानियत की गई है और उस हैवानियत की वजह से बच्ची का काफी खून बह गया। वहीं इस वारदात की सूचना मिलते ही एसपी प्रतीक्षा गोदारा भी घटनास्थल पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं।
वहीं ग्राम सरपंच ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो ग्रामीण आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके वहां जहां मौके पे भी मॉन स्पॉट भी गया था, वहां भी ब्लडिंग थी और लड़की के सारे कपड़े फाड़े हुए थे और उसके जगह पे निशान थी। कोशिश कर रही है, एसपी मैडम भी पहुंचे थे, एसएचओ साहब भी पहुंचे थे, अभी डीएसपी साहब भी आए हुए हैं और सीआईए वाले भी आए हुए हैं और अपनी तफ्तीश में। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लड़की को न्याय मिले। किसी गरीब की बेटी नहीं है, पूरे गांव की बेटी है और पूरे समाज की बेटी है। इसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। सत्य खबर के लिए नारनौत से अजय लोहान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।